सुनी आपने आवाज, जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची। त्योहार शुरू हो गए हैं और त्योहारों वाली फीलिंग तो भाई तभी आती है जब त्योहारों वाला खाना बने। मूंग दाल खस्ता कचौड़ी की तो बात ही ऐसी है। आ गया ना आप सभी के मुंह में पानी। जो मूंग दाल खस्ता कचौड़ी आप हलवाई स्टाइल मार्केट में खाते हैं, शादियों में खाते हैं, आज हम बिल्कुल वैसे ही फुली फुली अंदर तक खस्ता, यानी जब आप तोड़ेंगे तो एक खस्तापन होगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी और एकदम वही टेक्सचर और टेस्ट आएगा जो हलवाई की असली मूंग दाल कचौड़ी में होता है। और हमारी मूंग दाल खस्ता कचौड़ी बनेगी एकदम फ्लेवरफुल, चटपटा, खट्टा, स्पाइसी, मजेदार, साथ के साथ हलवाइयों की तरह फूली फूली। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी मूंग दाल खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 2 कप मूंग दाल। मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले, उसी अनुसार सारा आप नाप ले सकते हैं। सबसे पहले मूंग दाल को मैं अच्छी तरीके से पानी से धोना होगा। ले लीजिए, मैंने अच्छी तरीके से धो करके मूंग दाल को साफ पानी में भिगो दिया है। 2 घंटे के लिए आप इस तरह से भिगो दें जैसे कि मूंग दाल हमारी बढ़िया से फूल जाए। तो लगभग 2 घंटे होने वाले हैं, तो चलिए बाकी सारी तैयारी फटाफट कर लेते हैं। मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा आटा। तो उसके लिए आप ले एक बड़ा बर्तन और उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। ट्रेडिशनली मूंग दाल कचौड़ियां मैदा से ही बनती हैं जो हलवाई बनाते हैं। आप यहां पर चाहें तो आधा आधा भी कर सकते हैं, आधा आटा ले लीजिए, आधी मैदा ले लीजिए, या पूरी तरह आटे से भी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं हलवाई स्टाइल बता रही हूं तो मैं मैदा से ही बता रही हूं। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटी चम्मच अजवाइन जो इसको देगी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर। तो इस तरह मसल कर डालें जिससे कि बढ़िया फ्लेवर आए। अब कचौड़ियों को एकदम खस्ता बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे घी, यानी मोइन के लिए हम लेंगे घी। अब हल्का मेल्ट करके यानी पिघला करके इस तरह 5 बड़े चम्मच के करीब हम डालेंगे घी। मैं यहाँ घी डाल रही हूँ क्योंकि घी से कचौड़ियों में बहुत ही बढ़िया खस्तापन आता है। आप ऑयल भी ले सकते हैं। अब अच्छी तरीके से घी के साथ मसल कर बिल्कुल बढ़िया से सारी चीजों को करेंगे मिक्स, जिससे कि इसके रेशे रेशे में बढ़िया से मोइन चला जाए। फिर जब आप खस्ते बनाएंगे वो बनेंगे एकदम हलवाई जैसे खस्ता। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप इस तरह से एक मुट्ठी बांधकर देखिए। देखिए मैंने इसको बांधा तो ये बिल्कुल बढ़िया से बंध रहा है, बिखर नहीं रहा। इसका मतलब जो हमने इसमें घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये बिखरा बिखरा लगे तो आप थोड़े से घी या ऑयल की मात्रा और बढ़ाएं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, यानी नरम आटा लगाएंगे। नरम आटा इस तरीके का कि ना बहुत ज्यादा नरम ना बहुत ज्यादा सख्त, क्योंकि अगर आपने इसका सख्त आटा लगा दिया तो क्या होगा, जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे तो आपको परेशानी होगी, वो स्टफिंग पूरी निकल आएगी और कचौड़ियां आपकी सील नहीं होंगी। तो इसलिए इसके लिए बहुत ही जरूरी टिप, आटा आपको सॉफ्ट लगाना है। और ये लीजिए 5 मिनट बढ़िया से मसलते हुए मैंने एकदम सॉफ्ट इसका आटा तैयार किया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके का नरम आटा हमें लगाना है। अब आप लीजिए एक गीला कपड़ा और गीले कपड़े से इसको सब तरफ से ढककर हम रखेंगे 15 मिनट सेट होने के लिए, जिससे बढ़िया से आटा हमारा सेट हो जाए। और तब तक तैयारी करते हैं मूंग दाल कचौड़ी की एक जबरदस्त चटपटी स्पाइसी मजेदार फिलिंग की। और ये लीजिए मैंने मूंग दाल का सारा पानी निकाल दिया है और आप देख सकते हैं दाल हमारी बिल्कुल बढ़िया से फूल गई है। अब आप ले एक ग्राइंडिंग जार और ग्राइंडिंग जार में सारा पानी निकाल करके हम दाल को हल्का सा दरदरा पीसेंगे। याद रखिए दरदरा, बिल्कुल कोर्स हमें पीसना है, पेस्ट नहीं बनाना है, वरना कचौड़ी में मजा नहीं आएगा। बिना पानी डाले कुछ सेकंड इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल दरदरा, बिल्कुल इस प्रकार का आपको पीसना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ इस तरह। अब बनाते हैं कचौड़ी की स्टफिंग। तो उसके लिए आप लीजिए ये छोटा वाला ग्राइंडिंग जार। अब जो हलवाई करते हैं ना, यहाँ हम वो करेंगे। आप ग्राइंडिंग जार में लीजिए साबुत धनिया, ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच। साथ ही इसमें जाएगी 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च। इसका हम बनाएंगे खड़े मसालों का एक जबरदस्त बारीक दरदरा सा पाउडर, जो आपकी कचौड़ी में देगा जबरदस्त स्वाद। जो मार्केट में मिलती है ना, फिर ये बिल्कुल वही बनेगी। साथ ही इसमें जाएगी 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा,
चार सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो इसके बगैर भी मसाला तैयार कर सकते हैं। इसको हम बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए इस तरीके का कोर्स हमें मसाला तैयार करना है। ये देगा आपकी कचौड़ियों में जबरदस्त टेस्ट। स्टफिंग बनाने के लिए आप गैस पर चढ़ाएं एक कढ़ाई या पैन, गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब आप गैस पर रखें एक कढ़ाई या पैन और अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल हो गया है हमारा गरम, फ्लेम को यहाँ आप लो मीडियम कर दें और इसमें हम डालेंगे हमारा मसाला, जो भी हमने तैयार किया ना सारा मसाला आप इसमें डाल दें और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे। मसाले को बढ़िया से भुनना, साथ के साथ थोड़े ज्यादा ऑयल में भुनना बहुत जरूरी है, जिससे कि अंदर तक मसाला भुन जाए और एकदम बढ़िया स्वाद कचौड़ी में निकल कर आए और शेल्फ लाइफ इसकी लंबी हो जाए। और अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। बढ़िया फ्लेवर लगेगा हींग का कचौड़ियों में, क्योंकि हींग वगैरह खड़े मसाले यही तो चीजें कचौड़ी को एकदम स्पेशल बनाती है। मूंग दाल की कचौड़ी का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट आप बेसन जरूर डालें, एक तो ये मसाले को बाइंडिंग देगा, साथ के साथ जो कचौड़ी है उनका स्वाद और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। तो डाल देंगे इसमें 1/2 कप बेसन। मान के चलिए इस बड़ी चम्मच से लगभग 6 से 7 बड़े चम्मच मैंने बेसन लिया है। फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा सा लो रखेंगे, बढ़िया बेसन को भुनने देंगे। बेसन से क्या फायदा होगा, जो भी स्टफिंग में मॉइस्चर होगा दाल डालने के बाद वो सारा बेसन अब्सॉर्ब कर लेगा। फिर जब आप इस मसाले को फिल करेंगे कचौड़ी में तो वो कचौड़ी हमारी खुलेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं। साथ ही इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। बेसन के साथ ही इसको भी भून लेंगे। एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है पूरे किचन में खड़े मसाले और बेसन की, कच्चापन बेसन का निकल गया है। तो बस इस स्टेज पर हम डालेंगे हमारी दरदरी पिसी हुई दाल। तो सारा दाल वाले मिक्स को लो फ्लेम पर डाल देंगे और दाल को भी पूरे मसाले के साथ बढ़िया से भूनेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह लगातार चलाते हुए इसको बढ़िया सा रोस्ट कर लें। और अभी आप देख सकते हैं कि दाल भी बिल्कुल बढ़िया से भुननी शुरू हो गई है और अभी जो गीला गीलापन था ना आप देखिए बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल बढ़िया अब धीरे धीरे ड्राई होती जा रही है। बस इसी स्टेज पर हम इसमें डालेंगे जबरदस्त मसाले इसको और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए। तो मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। मैं यहाँ आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, यदि आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर जैसे चाट मसाला हो आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला जा सकता है। स्वाद अनुसार नमक, साथ ही इसमें जाएगा 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक डाल के देखिएगा बड़ा बेहतरीन स्वाद आता है मिक्स में। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। हम इसे लंबे समय के लिए स्टोर करेंगे, इसलिए मैं यहाँ हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ। आपको अगर स्टोर नहीं करनी है तो यहाँ पर हरी मिर्च हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं। साबित सूखी लाल मिर्च हमने पहले ही ले ली थी, इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर की क्वांटिटी कम रखी है। आप चटपटा पसंद करें और तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए क्या मस्त हमारा मूंग दाल कचौड़ी का स्टफिंग मसाला तैयार हुआ है, एकदम मसाले की बढ़िया खुशबू। और आप देख सकते हैं पूरा मॉइस्चर भी जो दाल का था वो खत्म हो गया है, एकदम ड्राई और बढ़िया हमारा मसाला चटपटा तैयार हुआ है। बस मसाला डालने के बाद आप 5 मिनट इसको लो फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट कर लें। आप जो ये जो मसाला है ये बिल्कुल भी जल्दी खराब नहीं होगा। तो बस इस स्टेज पर गैस को करेंगे ऑफ। अब हम क्या करेंगे कि हम इस स्टफिंग की छोटी छोटी बॉल तैयार कर लेंगे, जिससे कि कचौड़ी भरने में हमें आसानी होगी, फिर हाथ भी बार बार गंदे नहीं होंगे और सील करने में एकदम परफेक्ट हमारी कचौड़ी तैयार होगी। तो इस तरह से इसकी नींबू के साइज की हम दबाते हुए बॉल तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से तो सारे ही स्टफिंग बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। और अगर आपकी दाल वाली स्टफिंग बच जाए कचौड़ियां बनाने के बाद तो आप इसे एक एयरटाइट बॉक्स में भर करके फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब मन चाहे तब आप अपनी कचौड़ियां दोबारा बना सकते हैं। और ये लीजिए मैंने सारी ही स्टफिंग बॉल मूंग दाल की तैयार कर ली है, एकदम परफेक्ट। तो चलिए आटे को भी चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट। बस एक बार आटे को और हम अच्छे से मसल लेंगे और एक साथ इसको हम कर लेंगे। ये लीजिए मसल करके मैंने आटे को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है। अब आप इसको 2 भाग में डिवाइड करें और इसका एक लंबा रोल बना लें। रोल बना करके साइज की हम नींबू के बराबर के लगभग इसमें से लोइयां तोड़ लेंगे। ये लीजिए मैंने सभी की लोइयां तोड़ ली हैं। इतने क्वांटिटी में लगभग आप 12 के करीब मूंग दाल कचौड़ियां बना पाएंगे। अब आप लीजिए एक पेड़ा और इस तरह से उसको पहले हम स्मूथ कर लेंगे, हथेली के बीच में रख के गोल घुमाइए।
बिल्कुल ऐसे, और अब बीच में थंब से हम प्रेस करेंगे और साइड्स को इस तरह घुमाते हुए पतला करेंगे और बीच का सेंटर थोड़ा मोटा। फिर से बता रही हूँ, साइड्स पतले और बीच में आप इसे मोटा रखें और इस तरह घुमाते हुए इसमें एक गैप बनाएं। और ये जो रह गई है ना, इनको आप कपड़े से जरूर ढक दें वरना ये सूख जाएंगी। इस तरह ढक करके और बनाते जाएं। ये देखिए कटोरी की तरह बन गई ना, तो बस अब आप लीजिए एक फिलिंग बॉल। यही आसानी होती है फिर फिल करने में, वरना अभी बिखरा हुआ होता तो आपको बहुत परेशानी हो जाती इसको भरने में। और इस तरह से इस साइड्स का उठाइए, जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरह, और पूरा ऊपर की तरफ खींचते हुए, देखिए मैं हाथ भी घुमा रही हूँ और हमारी लोई भी घूम रही है, इस तरह इसे सील करेंगे। देखिए हो गया ना बंद, और जो एक्स्ट्रा है या तो आप दबा दीजिए या ऊपर का हटा करके इसी में मिक्स कर देंगे आटे में, और ऊपर से इस तरह सील कर देंगे। देखिए परफेक्ट, सब तरफ से सील हो गई। अब हथेली के बीच में रख के इसको हम फैलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करें, बस इस तरह से हल्के हाथ से घुमाते हुए इसको बड़ा कर लें। यहाँ मेन जरूरी पॉइंट, आपको बीच में प्रेशर देना है इस तरह, और इधर हल्का हल्का इस तरह से दबाव देते हुए इसको फैलाना है बीच में प्रेस। इससे क्या होगा, जो आप बीच में इसको इस तरह प्रेस करेंगे ना, तो ये फूल फूल कर आएंगी। यही हलवाइयों की सबसे बड़ी ट्रिक होती है फूली फूली कचौड़ी बनाने के लिए, बीच में प्रेस, साइड्स इस तरह से इसको हम फैलाएंगे। थोड़ा ऐसे कर लें हल्के हाथ से। ये देखिए बिल्कुल इस प्रकार आपको सारी ही मूंग दाल कचौड़ी को तैयार करना है। मैंने आपके साथ सारे ही टिप्स शेयर किए हैं जिससे आपकी भी मूंग दाल कचौड़ी एकदम परफेक्ट बने, इसी तरह से आपको तैयार करना है। मैं बेलन से बेल के इसको बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हलवाई तो इसी तरह बनाते हैं। आप बेलन से बेल सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है आप हाथ से बनाइए, जल्दी भी बनेंगी, परफेक्ट बनेंगी। तो सभी मूंग दाल कचौड़ी हम इस प्रकार तैयार कर लेंगे। अब आप लीजिए इस तरह से एक लोई, इसको सब तरफ से इस तरह टक कर लें, और उसके बाद इसको हथेली के बीच में रखकर गोल करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हम तैयार करेंगे। और ये लीजिए मैंने सारी ही मूंग दाल कचौड़ी की स्टफिंग करके इस तरह सारी कचौड़ियां तैयार कर ली हैं। लग रही है ना एकदम परफेक्ट। और मूंग दाल खस्ता कचौड़ी को हमें थोड़ा सा इस प्रकार का मोटा ही रखना है, पतला बिल्कुल नहीं करेंगे, तभी इसमें वो वाला टेक्सचर आ पाएगा। अब आप गैस पर रखें एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को यहाँ पर हमें बिल्कुल हल्का गर्म करना है, फ्लेम को कर दीजिए बिल्कुल लो, और एकदम हल्के गर्म ऑयल में हल्की सी हीट आ रही है, हम डालेंगे हमारी मूंग दाल कचौड़ियाँ। आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ऐसा हल्का गर्म, धीरे धीरे जितनी कढ़ाई में स्पेस है उस हिसाब से आप कचौड़ियों को डालें। बस अभी हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि लो फ्लेम पर सिकते सिकते धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगी और फूलने लगेंगी। और बिल्कुल इस तरह से बिना छुए आप देख सकते हैं थोड़ी देर में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे हमारी कचौड़ी एकदम बढ़िया अंदर तक इस तरह सिकती है, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब ये ऊपर आ रही है, एकदम फूली फूली हमारी मूंग दाल कचौड़ियां तैयार हो रही हैं। बस याद रखिए हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, वरना क्या होगा कि ऊपर से तो लाल हो जाएंगी, लेकिन जब आप इसे तोड़ेंगे तो अंदर की लेयर कच्ची रह जाएगी, इसीलिए इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई किया जाता है। और इस तरह चम्मच से थोड़ा सा रोटेट करें और थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके ऊपर भी डाल दें, एकदम बढ़िया इसकी दोनों साइड से लेयर तैयार होगी। और आप देख सकते हैं नीचे से प्यारा गोल्डन कलर दिख रहा है, तो एक स्पून से धीरे धीरे हम खस्ते इस तरह से पलट देंगे। देखिए कितने बढ़िया हमारे मूंग दाल के खस्ते तैयार हो रहे हैं, दोनों साइड से उलटते पलटते इसी प्रकार हम सभी मूंग दाल कचौड़ी को फ्राई करेंगे। एकदम बेहतरीन हमारी मूंग दाल कचौड़ियां लग रही हैं, परफेक्ट सुपर्ब। और इसी तरह नीचे से भी इसको बिल्कुल बढ़िया गोल्डन फ्राई होने देंगे। देखिए इसकी ऊपर की क्रिस्प लेयर है ना, बने ना एकदम बढ़िया। और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं एकदम बेहतरीन गोल्डन कलर आ गया है, और बढ़िया हमारी मूंग दाल कचौड़ियां फूल भी गई हैं और एकदम बढ़िया अंदर तक क्रिस्पी बनी है, तो इस स्टेज पर सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बेहतरीन हमारे खस्ते बने हैं, सुपर। तो सभी को निकाल लेंगे। परफेक्ट।
और बिल्कुल इसी तरह अब हम बनाएंगे हमारे सेकंड बैच के लेकिन बहुत जरूरी टिप। ऑयल बहुत तेज गर्म है क्योंकि अभी सारे सेके हैं ना हमने, तो आप थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर दें और टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे आने दें और कुछ क्षण बाद फिर आप धीरे धीरे अपनी खस्ता कचौड़ियाँ फ्राइंग के लिए डालें। परफेक्ट। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे हलवाई स्टाइल गुब्बारे जैसे फूले फूले खस्ता करारी मूंग दाल कचौड़ी। लग रही है ना बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट में मिलती हैं या आप शादियों में खाते हैं। एक एक कचौड़ी आप देख सकते हैं जबरदस्त फूल फूल के एकदम बढ़िया खस्ता हमारी तैयार हुई है। सुनी आपने आवाज, जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची हलवाई स्टाइल हमारी मूंग दाल खस्ता कचौड़ी। सुपर्ब, ये देखिए अंदर तक खस्ता और सिका हुआ पूरे क्रिस्प के साथ बाहर से भी और अंदर मजेदार फिलिंग। और ये देखिए इसका क्रिस्प, ये अपने नाम की तरह ही एकदम खस्ता मजेदार। इसकी फिलिंग देखिए आप, सुपर्ब। एक एक लेयर सिकी हुई है एकदम जबरदस्त क्रिस्प और खस्ता कि आप खाते रह जाएं। और मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरी खस्ता कचौड़ी को सॉल्ट के साथ। आप भी बनाइए अपने मन पसंद डिप, चटनी, सॉल्ट, आलू की चटपटी, सब्जी किसी के साथ भी एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया ये बनती है। इस तरह से एक बार बना करके आप इसे 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, यानी अभी त्योहारों के लिए अभी से बना ले और स्टोर करके रख ले। जब भूख लगे, जब मन करे, जब मेहमान आए, कभी भी आप इसे सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये हमेशा ही कुरकुरी करारी और अंदर तक खस्ता रहती हैं। त्योहारों वाली फीलिंग तो तभी आएगी ना जब ऐसे त्योहार वाले खाने बनेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।